देखिए, कोरोना संकट का असर आज देश के हर एक क्षेत्रों पर पड़ा है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र पर इसका असर कितना गंभीर हुआ है शायद यह किसी से छिपा नहीं है। आज अगर प्रबंधकों की बात करें तो प्रबंधकों को शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा, और उस शुल्क प्राप्त ना होने की वजह से शायद वो शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे, और आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शायद जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक है उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, शिक्षकों के घर में चूल्हा बंद होने लगा है, शिक्षक और प्रबंधक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने लगे हैं, और कई जगह से तो प्रबंधकों के सुसाइड करने की खबर, शिक्षकों के सुसाइड करने की खबर आए दिन प्राप्त हो रही है। इसी संदर्भ में इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने अपनी टीम के साथ सरकार से काफी लंबे समय से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में एक राहत पैकेज की घोषणा करे, जिससे कुछ न कुछ राहत इस क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, भले ही वो प्रबंधक हो, शिक्षक हो या कर्मचारी हो, उनको कुछ राहत मिले। और मैं तो बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को कोरोना काल के अंदर 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दे सकते हैं, तो क्या इस देश में आज गैर सरकारी संस्थान में जो काम करने वाले शिक्षक है उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है, क्या उनको इस राहत पैकेज में से कुछ हिस्सा नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल मिल सकता है। इसी संदर्भ में हमने अपनी आवाज उठाई, हमने 29 तारीख को सहारनपुर की धरती से एक अभियान की शुरुआत की, जिसको हम 9 जिलों में लेके गए। अब अपनी उसी मांग के तहत मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें बड़े भाई आदरणीय निरंजन बालियान जी भी मेरा साथ देंगे, हम स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन यानी कि 14 अगस्त को मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय उपवास करेंगे, और उस उपवास के तहत हम केंद्र और राज्य की सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद हमारी ये आवाज मीडिया के थ्रू या अधिकारियों के थ्रू सरकार तक जाएगी, और सरकार जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र में राहत पैकेज डिक्लेयर करेगी। इसके साथ साथ जो सरकार की नीति है, मैं यहाँ पर सरकारी शिक्षकों की बात कर रहा, इसमें पुरानी पेंशन का मुद्दा हो चाहे या वो नई नियुक्ति का मुद्दा हो, इनका भी ध्यान हम सरकार की तरफ, सरकार का ध्यान इनकी तरफ जो है आकर्षित करने का काम करेंगे। आप सभी से पूर्व की भांति मुझे सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।